और ये व्हाइट गेंद में काफी उछाल देखने को मिले लेवन का। नीरज चले सामना करेंगे दया और फिर से मारना चाह और लगातार दूसरी व्हाइट। सेमीफाइनल मुकाबले में इस तरह के व्हाइट फेंकना खतरनाक साबित। बॉलर चले सामना करेंगे दया और ये फिर से मारना और लगातार तीसरी व्हाइट। नीरज चले सामना करेंगे दया और ये फिर से निकाल दिया उधर फील्डर है और ये फील्डर के हाथ से गेंद छूटी। एक जीवनदान मिलता हुआ नर्मदा इलेवन को दया के रूप में जो कि टीम के कप्तान है। काफी खतरनाक चले सामना करेंगे अजय पहली बार। मैदान चारों तरफ से भरा हुआ। बॉलर चले सामना करेंगे अजय और ये निकाल दिया गेंद को बाउंड्री की तरफ। गेंद जाती हुई और निश्चित थी फील्डर उसके पीछे और एक ही रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा 5 रन। सामना करेंगे दया और ये गेंद और ये निकाल दिया गेंद उस ओर फील्डर है और ये निश्चित ही आउट। पहला विकेट का पतन होता हुआ इस समय नर्मदा इलेवन की तरफ से। सामना करेंगे नीरज का और ये गेंद अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिला। दिखता है आनंद प्ले का फायदा उठाना होगा यदि स्कोर को और इसे भी पहला ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर की समाप्ति पर 5 रन 1 विकेट के नुकसान। समझ चले और ये बॉल व्हाइट के रूप में फिर से आता हुआ एक रन 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर में पहुंचे हैं दोनों ही दिग्गज टीम। इस समय मैच चलता हुआ अजय और उठा दिया है गेंद को। निश्चित ही 6 रन होंगे। सीधे से ड्राइव खेला अजय ने और अपने टीम के लिए 6 रन अर्जित किए और स्कोर जा पहुंचा 11 रन। एक विकेट के नुकसान। चले सामना करेंगे अजय वो अभी छक्का लगाया इन्होंने ये फिर से निकाल दिया गेंद को और ये उनसे हाथ छूटती हुई निश्चित ही आउट हो जाते लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अजय वेट करके भाई नकरी किया जाए। 12 रन स्कोर इस समय नर्मदा इलेवन का और ये काफी ऊपर उठ गई है गेंद। कितने रन होंगे अंपायर बताएंगे 4 रन स्कोर जा पहुंचा 16 रन 1 विकेट के नुकसान। पारी का दूसरा ओवर इस समय चलता हूँ। इस मैच के तुरंत बाद फाइनल मैच होना है। मिथिलेश चले और फिर से निकाल दिया गेंद कुछ और फील्डर है एक ही रन मिलेगा। स्कोर जो पहुंचा 17 रन 1 विकेट के नुकसान। हेलो 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 नमस्कार एक बार फिर से आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का तह दिल से स्वागत करते हुए इस खेलने के लिए काफी दूर से पहुंचे हुए थे और काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ इस बार फिर और काफी अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी बैटिंग चलता हुआ यहाँ पे और काफी अच्छी ड्राइव ऑफ में केवल पुश पर किया और सीधा बॉल लाइन के बाहर 4 रन और काफी अच्छा कर रहे थे इस समय यहाँ लेकिन खुलकर बल्लेबाजी कोई कर नहीं पा रहा। इस समय फिर से राइट आर्म और द विकेट और काफी अच्छी गेंद उस गेंद को समान बस दिया और फील्डर तैनात कोई रन नहीं रन की संभावना को समाप्त किया फील्डर और फिर से बॉलिंग मार पे पर से स्ट्राइकर बॉलर है फिर से अंपायर को पार किया और काफी अच्छी गेंद उस गेंद को केवल देखते हुए रह गया बल्लेबाज अजय और उसको निकालने में नाराज के साथ अंपायर से गार्ड लेते हुए बॉलर और काफी अच्छी गेंद उसको केवल लैग में लॉब कर दिया टाइमिंग बेमिसाल कमेंट्री के ठीक बगल में आकर गिरी बॉल और 6 रन 33 रन स्कोर जा पहुंचे इस छक्के के साथ। अजय काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के के साथ अब 18 रन स्कोर जा पहुंचा अपने निजी स्कोर पे अजय और टीम का विकेट के नुकसान पे। तीसरी ओवर प्रगति पे राइट आर्म ओवर द विकेट काफी जबरदस्त गेंद और सीधा हाथ में मार बैठे अजय अपने आप को काफी कोसेंगे यहाँ पे और दूसरा झटका लगता हुआ नर्मदा इलेवन को और फिर से अच्छी गेंद बिल्कुल इन्होंने उसको गेंद को निहारते बस रहे और सीधा विकेट कीपर के हाथों में काफी तेज व्यास है कि नर्मदा इलेवन के खिलाड़ी जो है 10वें 12वें नंबर पर बैठे और ये लगातार
विकेट झड़ते हुए नर्मदा इलेवन के। तीन विकेट के नुकसान पर नर्मदा इलेवन काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए एकता इलेवन के खिलाड़ी बॉलर काफी उत्साह के साथ इस समय दबाव महसूस करते हुए बॉलर राइट आर्म बॉलर राउंड स्टंप गेंदबाजी करते हुए लेकर शरीर से टकराई बॉल और सीधे विकेट कीपर आउट खेलने में और निश्चित ही बल्लेबाज कुछ गलती शॉट खेलने में मजबूर हो ही जाता है। आखिरकार फिर से लॉन्ग फुट टॉसर उस गेंद को काफी जबरदस्त रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलते हुए और बाउंड्री लाइन के बाहर छे पे सामना करेंगे अगली बॉल की। राइट राउंड स्टंप गेंदबाजी करते हुए बॉलर और यहाँ तैयार है राइट राउंड स्टंप गेंदबाजी करते हुए पटकी भी गेंद जबरदस्त गेंद शॉट उतनी अच्छी और यहाँ पे स्पीड होते हुए फील्डर से और दो रन निश्चित ही मिल जाएगा यहाँ पे और फिर से मिस फील्ड यहाँ पे और कमले से एक रन फिर लेना चाहते थे लेकिन ऐसा हुआ काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए और फिर से एक बार काफी जबरदस्त गेंद उतनी अच्छी शॉट लेकर फील्डर मौजूद एक रन से ज्यादा नहीं मिल पाएगा आनंद को और 42 रन स्कोर जा पहुंचा नर्मदा इलेवन फिर से। और हमारे कमेंट सभी कमेंटेटर्स इनके बारे इस छक्के के बारे में क्या कहेंगे एक बार निश्चित ही उनके बारे में मुखर बिंदुओं से अब तक पहुंचाएंगे। बढ़िया शॉट इस समय देखने को मिलता है 40 रन पांचवा ओवर इस समय फेंका जा रहा है और गेंद को उछाल दिया है उस ओर फील्डर है लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर बाउंड्री के बाहर 6 रन। शानदार बैटिंग इस समय आनंद के द्वारा नर्मदा इस समय खुशनुमा क्रिकेट चलता हुआ एकता इलेवन और नर्मदा इलेवन के बीच अगली बॉल के साथ फिर से गेंद को निकाल दिया है उस ओर फील्डर है लेकिन एक ही रन मिलेगा और स्कोर जा पहुंचा 55। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए काफी जबरदस्त शॉट लेकिन फील्डर से कुछ ही गेंद गज आगे टिप्पो खाते हुए और उस कैच को लपकने में नाकामयाब रहे और कमलेश काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए और छक्का मारा था इस समय फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट और जबरदस्त गेंद को उठा दिया केवल टैगे के सहारे गेंद स्विंग के साथ उस गेंद को और सीधा स्ट्रेट कहा जाएगा 70 मीटर के आसपास से छक्का और फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट काफी जबरदस्त शॉट फिर से उस गेंद को और फिर से फील्डर से कपड़ा धोती हुई यहां पे और एक रन से ज्यादा नहीं मिलेगा इस बॉल पे फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और जबरदस्त शॉट केवल स्विंग के साथ उस गेंद को लॉफ्ट कर दिया और सीधा मिड विकेट के ऊपर से 6 रन बल्लेबाज और फिर से आनंद सामना करेंगे 33 रन पर अगर खेल रहे हैं सलामी बल्लेबाज है उस गेंद को सम्मान बढ़ दिया आप में लेकिन एक रन निश्चित ही मिल जाएगा उस गेंद को झपट्टा मारते हुए फील्डर उस गेंद को रोकने में कामयाब हुए और 70 रन स्कोर जा पहुंचा 5.1 ओवर छठवां ओवर प्रगति पे है समय और फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस गेंद को जबरदस्त छक्का यहां पे 85 मीटर का ये छक्का कमलेश के बल्ले से निकलता हुआ काफी मधुर ध्वनि सुनाई दी उसके बल्ले से जैसे ही बल्ले से निकल ली बॉल और निश्चित ही 6 रन के लिए जाएगी बॉल ऐसा लग रहा था और वैसे ही हुआ। कमलेश काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 13 बॉल में 34 रन बनाकर 4 छक्के लगा चुके हैं और फिर अच्छी गेंद लेकिन और रन लेना चाहते थे कमलेश लेकिन यहाँ पे और यहाँ से फिर वो चूके फील्डर और थ्रो कहा जाएगा और थ्रो के साथ एक रन और निश्चित मिलेगा कमलेश को। इस समय दोनों ही बैट्समैन धुआंधार बैटिंग करते हुए इस समय और फिर से निकाल दिया है निश्चित ही 6 रन जाएंगे जी हां 6 रन तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन 3 विकेट के नुकसान। काफी देर से क्रीज में डटे हुए दोनों ही बैट्समैन खुलकर खेलते हुए इस समय सीधे सामना करेगी आनंद काफी देर से डटे हुए क्रीज में है और निकाल दिया है गेंद को और फील्डर है निश्चित ही एक रन और आता है और चलिए सामना करेंगे आनंद 16 गेंद में 41 रनों पर खेलते हुए आनंद और ये 4 रन। इसी बीच अगली गेंद के साथ चले मोहित और गेंद को निकाल दिया है रन आउट का खतरा लेकिन ऐसा हुआ नहीं बॉलर चले मोहित सामना करेंगे आनंद काफी देर से और ये बता दिया है
कीपर के हाथ में गेंद और अचानक अपनी धैर्यता गवाई और विकेट देते हुए इस समय चौथा विकेट का पतन होता हुआ इस समय नर्मदा इलेवन की तरफ से, जबकि स्कोर है करने के लिए एकता इलेवन की फील्डर और ये निकाल दिया है निश्चित ही छर सीधा स्टेट सॉरी काउंट्री बॉक्स के बगल से गेंद निकलती हुई बाउंड्री के बाहर जाती हुई स्कोर जा पहुंचा 94 रन 4 विकेट के नुकसान पर। प्रबल दावेदार फाइनल के इस समय नर्मदा इलेवन।